आप देख सकते हो बहुत धीरे इनिशियल पिकअप लेती है एसी के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मेरा हेड माउंट आ गया था तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक पहली पीओवी वीडियो बनाई जाए। सो गाइस देखो यार, मेरे को आदत नहीं है तो ये वीडियो देखकर जज मत करना, बट धीरे धीरे जैसी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा आपके लिए, और प्रैक्टिस में जैसी आएगा तो इसका एक्सपीरियंस भी आएगा, अच्छा एंगल आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियो को एंजॉय करना, बताना एंगल सही था कि नहीं और क्या कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए इस वीडियो में। तो चैनल पर कोई भी नया है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम निकल रहे हैं। अभी मैंने स्टेयरिंग को ऊपर कर लिया बिकॉज मैं हमेशा नीचे रख के चलाता हूँ, बट आपको व्यू अच्छा आने के लिए मैं ऊपर कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम इसकी मेनली सिटी ड्राइव करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको इसका पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ चलने में कैसी है, सिटी के लिए ये गाड़ी बेस्ट है या नहीं। सो अभी तो विदाउट एसी चल रही बिकॉज मौसम भी पूरा अच्छा हो रहा है। और दोस्तों यार, ये मेरी पहली वीडियो है पीओवी मोड में, तो आपको कैसा क्या एंगल आ रहा है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। तो जैसा कि मेरा गोप्रो आ गया है तो बाइक से रिलेटेड भी बहुत सारे कंटेंट आने वाले थे, बट अभी आप देख ही सकते हो मौसम, मतलब कंटिन्यूस दो तीन दिन से बारिश गिर रही थी, आज थोड़ी कम हुई है तो हुआ तो हम शाम को उसकी भी वीडियो बनाएंगे। सैलरी से रिलेटेड मैं बहुत सारे कंटेंट बना चुका हूँ, जिसमें मैंने ओनरशिप रिव्यू, 5 ईयर एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम्स, मॉडिफिकेशन, बहुत से कंटेंट बना चुका हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ सिटी ड्राइव एक्सपीरियंस भी शेयर करा जाए, बिकॉज देखो अभी तो मेरे अकॉर्डिंग शायद सैलरी डिसकंटिन्यू होने वाली है बिकॉज नया वेरियंट आएगा फेसलिफ्ट। बट अगर आप में से कोई भी सेकेंड हैंड लेने का प्लान कर रहा है तो ये गाड़ी आपके लिए कैसी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी देखो यार, गाड़ी बहुत ही कॉम्पैक्ट है, लाइक आप देख सकते हो मैं कॉलोनी में इजीली इसको चला पा रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी है जो कि एसी में ड्रैग होती है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आपको अगर इसके जजमेंट पे वीडियो चाहिए कि कम जगह से कैसे निकालना है, उस पर भी अगर आपको कंटेंट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जिसमें हम इसकी पूरी फुट मूवमेंट के साथ पूरी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। सो अभी आ गए हैं हाईवे पे, हल्की हल्की सी बारिश चालू भी हो गई है। सो मैं सबसे पहले तो आपको एसी में ले जाकर दिखाता हूँ गाड़ी, बिकॉज गाइस कहीं ना कहीं क्या है ना, इनिशियल पिकअप इसका एसी के साथ बहुत कम हो जाता है। आप देख सकते हो बहुत धीरे इनिशियल पिकअप लेती है एसी के साथ। अभी आपने देखा दूसरे गियर पे कितने धीरे गाड़ी को पंच मिला, वही अगर मैं इसका एसी कम कर लेता हूँ, लाइक आप अगर अभी 3000 RPM पे गाड़ी चल रही है कांस्टेंट 50 की स्पीड में, तो अगर मैं एसी बंद करता हूँ ना तो एक अलग ही फील होता है गाड़ी में कि पिकअप एकदम आपकी पावर बढ़ रही है। सो आप देख सकते हो विदाउट एसी कितना बढ़िया पंच मिलता है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसकी क्या है सैलरियो की, अगर आप सिटी में चला रहे हो तो सबसे बड़ा इशू जो मैं हमेशा पिछली वीडियोस में भी बताते आया हूँ कि इसका जो है आप पिलर देख सकते हो, ये पिलर बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। अभी सीधी ड्राइविंग में तो नहीं, बट अगर आप कहीं सर्कल पर टर्न कर रहे हो, लाइक मैं अगर यहीं से यू टर्न ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत ब्लॉक होगा, ये व्यू बहुत ब्लॉक होता है, मतलब कोई भी टू व्हीलर वाला आ रहा है तो मुझे दिखता नहीं है, मतलब एकदम ऐसी दिक्कत आती है देखने में।
अभी रोड का पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस कारण क्या टू व्हीलर वाले भी ऐसे एकदम बीच में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा सैलरियों का जो पंच है ना, वो थर्ड गियर पे ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सेकंड पे थोड़ा इनिशियल ले जाते हो फिर थर्ड गियर पे डाल देते हो तो एक अलग ही आपको, 1000 सीसी का इंजन है तो काफी अच्छा पावर जनरेट करता है। एसी में अगर आप 4 लोग गाड़ी में बैठे हो और एसी पे अगर पहले गियर पे बढ़ा रहे हो ना, तो यार बहुत झटके लेती है मतलब गाड़ी। अगर मैं आपको ऐसे बढ़ा के भी दिखाऊं, सभी मैंने गाड़ी को स्लो कर लिया है। फुट मूवमेंट आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, बट आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने एसी ऑन कर लिया, अब देख सकते हो गाड़ी कैसे झटके ले रही। थोड़े ज़्यादा एक्सलरेशन दे के बढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट एसी अगर दे रहे हो ना तो ये मैंने देखो रेस दे दिया, झटके लेती थोड़ी गाड़ी। बट ठीक है यार, अब 1000 सीसी का इंजन है, उसके अकॉर्डिंग अच्छा वर्क कर रही है। सभी जरा यहाँ पर काम से आया था मैं, अपना काम भी कंप्लीट हो चुका है, चलते हैं घर की तरफ। और अब आपको कौन सी भी गाड़ी पे ड्राइव एक्सपीरियंस चाहिए इस टाइप का, या सिटी राइड, हाईवे राइड, कौन सा भी कंटेंट चाहिए पीओवी मोड पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका माइलेज टेस्ट भी मैं करने की सोच रहा था काफ़ी टाइम से, बट ऐसा है कि मेरा जाना नहीं हो पा रहा था, इसलिए टैंक टू टैंक कर नहीं पाया मैं। सब जल्दी उस पर भी वीडियो आने वाली है। इंजन बहुत ही रिफाइंड है, केबिन में नॉइस आना मतलब भूल ही जाओ। इसमें मारुति के इंजन इतने रिफाइंड है ना यार, मतलब इसका केबिन में तो 1% नॉइस नहीं आता। हालांकि ये पेट्रोल इंजन है तो वैसे ही स्मूथ रहता है, बट फिर भी ऐसा कोई नॉइस का इशू आपको नहीं आने वाला है कौन सी भी मारुति की कार हो। यार सिटी में चलाने के लिए बहुत बढ़िया है ये गाड़ी, मतलब कहीं से भी निकाल लो कोई दिक्कत नहीं आती। ऑल राइट गाइस, अब वीडियो को एंड करते हैं, बिकॉज मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने ना कुछ कंटेंट रेडी करा था। मैंने सोचा आ गया हेड माउंट तो लगा के चल चलते हैं, कुछ भी कंटेंट बन जाएगा। बट आपका भी रिस्पांस आएगा, आप कैसा रहेगा, एंगल वगैरह आप बताओगे, सजेशन दोगे, बिकॉज व्यूअर्स को ज़्यादा पता रहता है। होप वीडियो में मतलब इतने तो कोई कंटेंट था नहीं, बट हाँ आपको मतलब एंगल वगैरह में मज़ा आया होगा। कुछ भी सजेशन हो तो यार बेझिझक बताना, तो मैं उसमें इंप्रूवमेंट लाऊँ। और चैनल पर कोई भी नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, कुछ भी कंटेंट चाहिए हो उसे भी कमेंट सेक्शन में बता देना। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।